आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के सेमरा गांव में दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि एक युवक नाबालिग युवती को बहलाकर अपने साथ भगा ले गया। जैसे ही इसकी जानकारी युवती के परिवार वालों को हुई तो उन्होंने युवक पक्ष की दुकानों और घरों में जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, घरों और दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। पूरे गांव में भीड़ ने करीब एक घंटे तक तांडव किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कई थानों की पुलिस और पीएसी पहुंची। इसके बाद पुलिस ने उग्र भीड़ को मौके से खदेड़ा। आईजी रेंज ने मौके पर पहुंच घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि उग्र भीड़ के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। देखिए, ऐसा है कि आज दोपहर को करीब 4 बजे के आसपास दूरभाष पे ये सूचना यहाँ के स्थानीय अधिकारियों को मिली कि एक नाबालिग बच्ची है और उसको किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो है यहाँ से इलोपमेंट उनका करा दिया गया है। इसको लेके थाने पर उनके परिवारजनों के द्वारा सूचना दी गई, तत्काल FIR दर्ज कर ली गई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके मुकदमे के दर्ज होने के बाद और पुलिस ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी, उसके बाद भी कुछ लोगों के द्वारा यहाँ माहौल ख़राब करने का प्रयास किया गया और इसमें कुछ दुकानों को क्षति पहुँचाई गई है। तो सर्वप्रथम तो हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जो भी बच्ची जिसका यहाँ से अपहरण हुआ है, जिसका मुकदमा थाना खंदौली पर पंजीकृत है, उसको हम लोग सकुशल बरामद करें और तदुपरांत जो भी विधिक कार्रवाई आगे हम लोग को लीगली करनी है उस कार्रवाई को पूर्ण रूप से कराया जाएगा। अभी लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है यहाँ पर? अभी देखिए, पूर्णतः यहाँ पे शांति है। SSP साहब और DM साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा कई थानों का पुलिस बल भी जो है यहाँ बुला लिया गया है। PAC भी यहाँ पे आ गई है। हम लोगों ने स्वयं अभी घूम के गाँव का जायज़ा लिया है और प्रयास ये है कि रात्रि में भी यहाँ पे समुचित पुलिस बल की व्यवस्था रखी जाएगी और आने वाले समय में भी जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग आगे कोई इस प्रकार का कुकृत्य ना करें, उसके लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाए। सर, लोगों का आरोप है कि सूचना के बाद पुलिस बहुत देरी से पहुंची है, इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस ने क्यों की? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो सूचना मिली है तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है, नंबर एक बार। नंबर दो ये है कि जो लड़की जिसकी अपहरण की बात कही जा रही है उसको सकुशल बरामद करना ये हमारा पहला उद्देश्य है और उसके लिए हम लोगों ने एक मजबूत टीम का गठन किया है और हमारी जो विशेष टीमें हैं, स्पेशली जो SOG और सर्विलांस सेल वाले, वो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास होगा कि लड़की की बरामदगी सकुशल हम लोग करा लें। वहीं परिजनों का कहना है कि स्कूल जाने के दौरान युवती का अपहरण किया गया है। ये मेरी मौसी की लड़की है, वो शाम सुबह पढ़ने गई, पढ़ने स्कूल ना पहुँच पाए, वह बीच में से किडनैप कर ली गई। किडनैप करके फिर शाम को 4 साढ़े 4 बजे फ़ोन आता है कि आपकी लड़की को हम रात को 11 बजे छोड़ जाएंगे, धमकी दे करके। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पुलिस दोषियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। आगरा से ब्रजभूषण की रिपोर्ट।